आज की वीडियो में बात करेंगे आप बाइनेंस से कैसे फंड को कॉइन डीसीएक्स के अंदर ट्रांसफर करोगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास बाइनेंस भी है और कॉइन डीसीएक्स भी है। तो आपको मैं लाइव फंड ट्रांसफर करके दिखाऊंगा बाइनेंस से कॉइन डीसीएक्स के अंदर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बाइनेंस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। और देखो भाई, आप सभी लोगों को तो यहाँ पर बाइनेंस के अंदर कुछ एयर ड्रॉप वगैरह मिलता है, तो उस पैसे को आप कैसे इंडियन एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स के अंदर कैसे ट्रांसफ़र करोगे, तो लाइव ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को आप एकदम कंप्लीट जरूर से देखो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपके पास जो भी कॉइन है या फिर जो भी टोकन है उसको यहाँ पर सर्च कर देना। सर्च करके उस टोकन को आप जो कि USDT के अंदर कन्वर्ट करिए। USDT के अंदर कन्वर्ट करने के बाद उसको आप XLM बाई कर लीजिए, ठीक है। सारे कॉइन से जो कि आप XLM इस टोकन को बाई कर लीजिए, XLM टू USDT, ठीक है। जितने भी सारे टोकन हैं आपके पास सारे को जो कि यहाँ पर सेल करके USDT के अंदर लेके आपको XLM टू USDT इसको बाई कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर XLM टू USDT बाई करने के बाद जो कि यहाँ पर 100% देके बाई कर लीजिए। जितना भी आप सेल मतलब इंडियन एक्सचेंज पे लेना चाहते हो जितना पैसा को सब यहाँ पर कन्वर्ट कर लीजिए XLM के अंदर। तो कन्वर्ट करने के बाद आपको सीधे आ जाना है कॉइन DCX के अंदर। तो देखो भाई, अगर दूसरे टोकन सेंड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, XRP कर सकते हो, TRX कर सकते हो। तो XLM पे बहुत ज़्यादा कम फी लगता है, इसलिए मैं आपको XLM का जो कि दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप XLM से करना तो आपको कम फी के अंदर ट्रांसफ़र कर पाओगे। कॉइन DCX के अंदर आने के बाद यहाँ पर माई इन्वेस्ट के अंदर आ जाइए, इन्वेस्टमेंट, उसके बाद ऊपर सर्च पे आप सर्च करिए क्लिक करके XLM। तो यहाँ पर XLM आपके सामने आ जाएगा, स्टाइलर्स, इसके ऊपर क्लिक करिए। राइट साइड ऊपर ट्रिपल डॉट देखने को मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिसीव स्टाइलर लुमिनियस, तो इसके ऊपर क्लिक करिए। रिसीव के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो कि स्टाइलर का जो एड्रेस है और मेमो है वो दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग ले रहे हैं और यहाँ पर यस आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करिए और आपके सामने देखिए यहाँ पर क्यूआर कोड, वॉलेट एड्रेस और XLM टैग या फिर मेमो आ चुका है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वॉलेट एड्रेस को सबसे पहले आप कॉपी कर लीजिए। वॉलेट एड्रेस कॉपी करने के बाद आप चले जाइए बाइनेंस के अंदर। यहाँ पर बाइनेंस का वॉलेट के अंदर चले जाइए और यहाँ पर आपका जो XLM बाय किया तो उसके अंदर जाना है। बाइनेंस के वॉलेट के अंदर आने के बाद यहाँ पर स्पोर्ट के ऊपर क्लिक करिए। उसके बाद आपका जो XLM है वो आपको यहाँ पर ढूंढना है कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए XLM मेरे पास यहाँ पर है, तो XLM के ऊपर मैंने कर दिया क्लिक और यहाँ पर देखिए मेरे पास 18 XLM है, ठीक है। तो मैं सारे के सारे यहाँ पर से विदड्रॉ कर दूँगा, $4 के आसपास यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ विदड्रॉ के ऊपर क्लिक, उसके बाद सेंड भाया क्रिप्टो नेटवर्क, इसके ऊपर करता हूँ क्लिक और यहाँ पर देखिए एड्रेस, नेटवर्क, अमाउंट सारे सब कुछ आ चुका है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एड्रेस को डाल दूँगा जो एड्रेस मैंने कॉपी किया, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको एड्रेस को जो कि पहले से ऐड करना पड़ता है बाइनेंस के अंदर। तो यहाँ पर ऐड न्यू एड्रेस के ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पर XLM आ चुका है ऑटोमेटिक, यहाँ पर एड्रेस मांग रहे हैं। तो यहाँ पर एड्रेस के ऊपर मैं दे देता हूँ, एड्रेस को पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर भाई देखो यहाँ पर सिलेक्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो कौन सा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर एक्सचेंज है और कौन सा एक्सचेंज है, कॉइन DCX, तो कॉइन DCX को यहाँ पर नहीं है तो मैं यहाँ पर आदर्श कर दूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा कॉइन DCX, कॉइन DCX, ठीक है। इसको कंफर्म के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर नीचे मेमो मांग रहे हैं। तो अभी मैं फिर से कॉइन DCX के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर से जो टैग है या फिर मेमो टैग एक ही चीज़ होता है, इसको कॉपी कर लूँगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, इसको जो कि टैग बोलते हैं इसको कॉपी कर लेना आपको यहाँ से, उसको बाइनेंस के अंदर आना है और मेमो के अंदर टैग को डाल देना है। अब गलती मत करना, कॉपी करके ले आना, कॉपी करने से गलती नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई हो गया, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर टिक कर देना है और सेव कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर टिक करके सेव कर देना है और आपका फ़ोन नंबर के अंदर और Gmail ID के अंदर जो कि SMS जाएगा तो उसको आपको यहाँ पर से सेंड कर देना है SMS को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने SMS को सेंड कर दिया, अभी SMS देने के बाद फिर से कंटिन्यू करता हूँ।
ऊपर वाला मोबाइल नंबर का SMS और नीचे जीमेल आईडी का, तो दोनों मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, तो सबमिट करते आपका जो एड्रेस है यहाँ पर सक्सेसफुली जो कि ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस के ऊपर फिर से क्लिक करना है और आपके सामने XLM का जो एड्रेस है वो यहाँ पर शो होगा, आप देख लीजिए। इसके ऊपर क्लिक करके कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है तो जो कि यहाँ पर हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई, मिनिमम जो कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको शायद से 40 XLM सेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं विड्रो के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए मिनिमम जो है 40 XLM यहाँ पर से विड्रो होगा। तो यहाँ पर मैं कुछ और XLM ऐड करके फिर से वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी मैंने थोड़ा सा और XLM यहाँ पर बाई कर लिया और अभी आपको विड्रो करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर XLM के ऊपर मैंने कर दिया क्लिक और यहाँ पर 66 XLM मेरे पास है, तो 40 XLM चाहिए था। तो मैं अभी जो कि CoinDCX के अंदर विड्रो करके दिखाता हूँ। तो विड्रो के ऊपर करता हूँ क्लिक, सेंड बाय क्रिप्टो नेटवर्क, और यहाँ पर एड्रेस के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ XLM जो कि पहले मैंने सेव करके रखा था तो यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पर मिनिमम के अंदर मैक्स कर देता हूँ। तो आप जितनी सेंड करना चाहते हो यहाँ पर लिख के दे सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैक्स कर देता हूँ 66 से। तो उसके बाद यहाँ पर विड्रॉल के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर फी जो कि बहुत ही कम लगेगा, यहाँ पर देखते नेटवर्क फी 0.02, इसका मतलब 1 रुपये से भी कम यहाँ पर फी कटेगा। इसलिए मैं आपको XLM का बारे में बोल रहा था। दूसरे कॉइन पर ज़्यादा जो कि फी काटता है, टोरन पे करते हो तो 5-6 रुपये काट जाता है, तो यहाँ पर XLM पे सबसे ज़्यादा कम यहाँ पर फी काटता है। तो यहाँ पर 0.02 मतलब 1 रुपये से भी कम यहाँ पर। तो कन्फर्म के ऊपर क्लिक करते ही आपका जो कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिर से आएगा। यहाँ पर सेंड कोड के ऊपर क्लिक कर देना है और फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों के अंदर सेंड कोड के ऊपर क्लिक करना है और कोड अभी आ जाएगा। कोड देने के बाद फिर से कंटिन्यू करता हूँ। आप कोड यहाँ पर बिल्कुल ही ध्यान से डालना, ऊपर वाला मोबाइल नंबर का कोड है और नीचे वाला जीमेल आईडी का कोड है। कोड ध्यान से डालने के बाद यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करिए। तो यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करते ही आपका जो क्रिप्टो है वो सेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्रिप्टो हो चुका है अभी सेंड। तो यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए यहाँ पर जो कि थोड़ा सा बिलर वगैरह दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विड्रो प्रोसेसिंग यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो व्यू हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर हिस्ट्री दिखाएगा कि आपका XLM यहाँ पर कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी प्रोसेसिंग के अंदर है। तो CoinDCX के अंदर जो कि XLM पहुँचते ही मैं फिर से जो कि वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो आप यहां पर देखिए, मेरे पास मेल आ चुका है कॉइन जो कि DCX की तरफ से, यहां पर सक्सेसफुली डिपॉजिट हो चुका है जो कि 66 XLM यहां पर डिपॉजिट हुआ है। तो अभी मैं CoinDCX ओपन करके आपको दिखाता हूं। तो यहां पर मैंने CoinDCX को ओपन कर माय इन्वेस्टमेंट के ऊपर करता हूं क्लिक, और यहाँ पर देखिए XLM मेरे पास आ चुका है। यहाँ पर XLM देखिए सबसे ऊपर है स्टाइलर और 66 XLM मेरे पास आ चुका है। इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर डिपॉजिट 66 XLM मेरे पास जो कि डिपॉजिट हुआ है। तो देखो, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको क्रिप्टो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉमेंट पर बताइए, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूँगा।